कलेक्शन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं लौकी की सब्जी की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने यहाँ ले लिया है 1 किलो लौकी, काट के रख दी है मैंने इस तरह से थोड़ी मोटी मोटी। 1 अदद प्याज ले ली है, इस तरह से काट लें। और 2 अदद टमाटर ले ली, 2 से 3 अदद टमाटर ले लें आप। हरी मिर्चें ले ली, मोटी पतली मिर्चें दोनों, बीच में से कट लगा लें। और धनिया। मसाले में हम लेंगे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कुटा हुआ धनिया। अब हम यहाँ पैन ले लेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे और प्याज डाल देंगे उसमें। प्याज जब थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, उसमें हम बारीक हरी मिर्च ले लेंगे कट लगा के, वो डाल देंगे प्याज के साथ, थोड़ी सी लाल करेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। प्याज इस तरह से थोड़ी सी ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर कटे हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, लाल पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक हसबे जरूरत, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले आपस में। टमाटरों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लौकी कटी हुई। लौकी को मिक्स कर लें अच्छे से। लौकी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप पानी। उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे हल्की आंच पे, ताकि लौकी गल जाए। और उसके बाद फिर इस तरह से भून लें, लेकिन साथ साथ चेक करते रहें कहीं पानी खुश्क तो नहीं हो गया, लौकी जल ना जाए, इसलिए साथ साथ चेक करते रहें। और उसके बाद जब पानी खुश्क हो जाए तो अच्छे से फिर भून लें। भूनने के बाद हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 2 से 3 चुटकी, और फिर हम इसमें हरी मिर्च, धनिया कटा हुआ डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसको फिर हम अब प्लेट में निकाल लेंगे। मज़ेदार लौकी की सब्जी तैयार है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, स्किप नहीं करना है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।